यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पुनौरा धाम जो था यहीं से जोतते हुए जाते हैं, करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और माता सीता जी प्रकट हुई थी, जहाँ का मैंने वीडियो कवर कर लिया है कुछ टाइम। कितनी खूबसूरत है, जल हल्का हल्का गिर रहा है और यहाँ पे यही से मतलब स्टार्ट किया। देखिए आपको इस तरीके से इनका आकार बना हुआ दिख रहा है। जयसोर स्थान मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। अच्छा। हर सावन में यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। अच्छा, अच्छा। बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं, यहाँ रुद्राभिषेक भी हमेशा होते रहता है। अच्छा। यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है। अच्छा। जो मन में करके जाओ पूरा होता है। अच्छा। कि जब अकाल पड़ा हुआ था तो यहाँ के जो पुरोहित थे मतलब उन्होंने लोगों ने आग्रह किया था राजा जनक जी से कि मतलब हल चलाने के लिए, इसीलिए इन्होंने हल चलाने के लिए यज्ञ किया था और ये यज्ञ जो स्थान है उसी यज्ञ चलाने के अवसर पे इन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था। हाँ, ये भी सुनी कहानी है, देखे नहीं कभी। अच्छा, नहीं देखने त्रेता युग की बात हम देखेंगे, त्रेता युग है तो कहाँ से देख पाएंगे। त्रेता युग में मिथिला राज्य में पड़े भीषण अकाल से मुक्ति के लिए मिथिला नरेश राजर्षि जनक जी महाराज ने इस स्थल पर शिवलिंग को स्थापित कर हलिष्टि यज्ञ किया था, क्योंकि समझ सकते हैं। एक बस हम लोग नजारा दिखाएंगे, देख सकते हैं कुआं का जल। बस दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों फिर से मैं आ गया हूँ बिहार के एक जिले सीतामढ़ी में, आपको बताते चलूँ ये जो पवित्र स्थल है इसे बोलते हैं हलेश्वरनाथ, आपको बताते चलूँ। फिलहाल तो मैंने कवर करने की बात करें जो यहाँ से करीब 4, 5 या 8, 10 किलोमीटर की दूरी होगा सीता जन्म स्थली, वहाँ पर मैंने कवर किया जहाँ से सीता माता प्रकट हुई थी। और इसके बाद एक मैंने कवर किया पंथ पाकड़, जो वहाँ पे एक ऐसा सीन था जो पाकड़ वाला सीन था, आपको बताते चलूँ कि एक पाकड़ से कब न जाने कितने वृक्ष बने हुए शोर से, और वहाँ का इतिहास ये था कि आपको बताते चलूँ कि अगर जब प्रभु श्री राम और माता जानकी जी का शादी होता है तो जब बारात लेके आ रहे थे तो माता जी वहाँ पे विश्राम की थी, पूरी बारात विश्राम की थी, तो सीता माता ने वहाँ पे क्या था दातुन की थी, दातुन की थी, तो क्या हुआ कि वो दातुन का छिलका फेंकी थी जिससे वो पाकड़ का निर्माण हो गया था, और वहाँ पे जहाँ जिब्बा फेंकी थी वहाँ पे कुंड बना था। फिर आप देखिए मैं यहाँ पे जो हलेश्वरनाथ मंदिर है इसका क्या इतिहास है आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हैं काफी खूबसूरत आपको गेट देखने को मिल जाता है, और ये अगर आप आना चाहें तो राउंड फिगर बात करें तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों साधन है, आ सकते हैं। जैसे आप आगे आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये कुआं, ये कुआं तो उस टाइम शायद नहीं था लेकिन इस समय थोड़ा सा डेवलप होने के कारण आपको देखिए कुआं का जल नल से प्राप्त करें, कुआं का जल नल से प्राप्त करें यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा कुआं अंदर से दिखाइएगा बचा के मोबाइल, क्योंकि समझ सकते हैं। एक बस हम लोग नजारा दिखाएंगे, देख सकते हैं कुआं का जल, बस ऊपर कर लीजिए क्योंकि बड़ा की सब कृपा के बहुत कुछ होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे भी मैंने रामायण का बहुत सारा जो शूटिंग लोकेशन था कवर किया, उसके बाद सुल्तान भी कवर किया, सुल्तानपुर में जहाँ पे लोग वनवास जाते समय विश्राम किए थे, पारिजात का वृक्ष वो कवर किया, क्योंकि मेरा टारगेट एक रामायण और जितनी हिस्टोरिकल त्रेता युग में हुआ था मैं आपको डे बाय डे मतलब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल उसी को कवर की कोशिश करते हुए मैं आ गया हूँ एक हलेश्वरनाथ मंदिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ श्री हलेश्वरनाथ महादेव मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। त्रेता युग में मिथिला राज्य में पड़े भीषण अकाल से मुक्ति के लिए मिथिला नरेश राजर्षि जनक जी महाराज ने इस स्थल पर शिवलिंग को स्थापित कर हलिष्टि यज्ञ किया था। इसी स्थल से जनक जी ने जमीन पर हल जोतना आरंभ किया, इसलिए यह शिवलिंग हलेश्वरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। हल जोतने के क्रम में जगत जननी माँ जानकी की धरती से प्रकट हुई थी। आपको इसका थोड़ा व्याख्यान करना चाहूंगा कि जब इस महसा तक अकाल पड़ा हुआ था, सब लोग परेशान थे, तो जैसे कि यहाँ के जो राजा थे जनक सिंह थे, राजा जनक थे, तो इनके जो पुरोहित लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि थे कि हल जोतने का आरंभ कीजिए। एक तो थे ये तो राजा, इन्होंने क्या किया था कि इसके लिए हल जोतने के लिए डायरेक्टली ना हल जोत करके इन्होंने पहले यज्ञ कराया था, यज्ञ कराया था तो उसके बाद हल जोतना प्रारंभ किया, और हल जोतना जो प्रारंभ किए थे यही जो मंदिर है, देखिए भगवान शिव की मंदिर है और यहीं से हल जोतना प्रारंभ किए थे। तो यहाँ से जोतते हुए जो मैंने कवर किया है सीता जन्मस्थली, वहाँ पर सीता माता प्रकट हुई थी, वहाँ पे समझ लीजिए 8-10 किलोमीटर दूरी पे कितना हल जोतते गए थे। और यहाँ आप देखेंगे आपको घंटा लग रहा है, वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, घंटा एक बार जय प्रभु इस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब मंदिर का यही से इतिहास बना है। आगे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कुंड बना हुआ है, और यहाँ पे मंदिर पर आप अगर आते हैं तो मंदिर का एक इतिहास आपको इधर से बनता है, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये आपका प्रवेश द्वार है, यहाँ पे भक्तगण आते रहते हैं और प्रवेश द्वार है,
अभी अंदर में चल के आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर श्री गणेश चालीसा है और यहाँ पर पूजा पाठ लोग करते रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करते हैं श्री हनुमान जी माता अंजनी श्री राम दरबार। यहाँ भक्तगण लोग आते रहते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे प्रभु हनुमान जी की आपको देखिए मूर्ति लगाई गई है। इसके बाद बात करते हैं हम माता पार्वती जी का, यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। इस तरीके से आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। और वो जो बात करें जो पवित्र स्थान जहाँ से राजा जनक जी हल जोतना प्रारंभ किए थे, देख सकते ये मंदिर यही है, यही से जोतना प्रारंभ किए थे। अभी अंदर चल के दिखाऊंगा। और यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ माता जी का जन्मस्थली है, जहाँ सीता माता प्रकट हुई थी, तो यही थे इतना दूर प्रकट किए थे। अकाल जब भीषण अकाल पड़ा था तो ये अपने पुरोहित के कहने पर ही स्टार्ट किया। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया तो मुझे परमिशन मिल गया है। देखो बाबा हलेश्वरनाथ, अभी अंदर चलते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। देख सकते हैं भगवान शिव जी की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई, काफी खूबसूरत मूर्ति है। आपको बताते चलो यहीं से माता सीता जी के जो पिता जनक जी थे हल को चलाना शुरू किए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पुनौरा धाम जो था यहीं से जोतते हुए जाते हैं, करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और माता सीता जी प्रकट हुई थी, जहाँ का मैंने वीडियो कवर कर लिया है। कुछ टाइम बाद आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। और ये शिव की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, जल हल्का हल्का गिर रहा है और यहाँ पे यही से मतलब स्टार्ट किया। देखिए आपको इस तरीके से इनका और देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे लाल कलर का कपड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब प्रभु श्री भगवान शिव जी की सभी परिवार का लोगों का। देखिए यहाँ माता पार्वती जी हैं। और आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रभु कार्तिकेय भगवान हैं और यहाँ भगवान शिव जी साक्षात विराजमान है ही। इधर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ये गणेश भगवान है और यहाँ पे दीपक जल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंदी भैया। और आगे देख सकते हैं ये है अब चांदी का जो बना हुआ, देखिए राम 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 लिखा हुआ है इस तरीके से। देखिए आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये देखिए पूरा आपको गोल्डन कलर में दिखाया गया है यहाँ पे। और पानी का जो प्रवाहित है ना यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे बन के बाहर की तरफ निकला गया। फिर मैं बताना चाहूंगा जब राजा जी समाज कल्याण के लिए जब अकाल पड़ा था तो बारिश के लिए यहीं से हल चलाना प्रारंभ किए थे। हलेश्वर स्थान मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। अच्छा। हर सावन में यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। अच्छा, अच्छा। बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं, यहाँ रुद्राभिषेक भी हमेशा होते रहता है। अच्छा। यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है। अच्छा। जो मन में करके जाओ पूरा होता है। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, और हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग 2 महीना 4 महीना 6 महीना से यहाँ आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके, हम लोगों को मन में शांति मिलती है। काफी ऐसा भी माना जाता है कि जब अकाल पड़ा हुआ था तो यहाँ के जो पुरोहित थे मतलब उन्होंने लोगों ने आग्रह किया था राजा जनक जी से कि मतलब हल चलाने के लिए, इसीलिए इन्होंने हल चलाने के लिए यज्ञ किया था। और ये यज्ञ जो स्थान है उसी एक चलाने के अवसर पे इन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था। हाँ, ये भी सुनी कहानी है, देखे नहीं कभी। अच्छा, नहीं देखने त्रेता युग की बात हम लोग देखेंगे। इधर देख पा रहे हैं इनके पूरे परिवार के साथ आए हैं और आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर किसी भोजपुरी गाने की शूटिंग चल रही, चलिए आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा बैठ देंगे भैया आप हैं, थोड़ा सा बताएंगे बैठ करेंगे उसमें क्या होता है, आप आ जाइए बस। आप देखिए यहाँ पे शूटिंग चल रही है और यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं मतलब शूटिंग भी चलती रहती है बीच बीच में। नमस्ते भैया, किस गाने शूटिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी भक्ति गाने का शूट कर रहा हूं। भक्ति गाने का। वैसे प्रॉपर रहने वाले कहाँ से आप लोग? यही सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से हैं, तो मतलब ये लोकल के लोग गाने की शूटिंग भी कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे जो रामानंद सागर वाली रामायण थी आप लोग 36-37 साल पहले देख होंगे, अब मेरे चैनल पे आ चुका है जिसमें लंका का सीन कहाँ दर्शाया गया था, जो जंगल वाली सीन थी कहाँ दर्शाया गया था, उसके बाद जो ये समुद्र वाला सीन था सारा एक ही एरिया में दर्शाया गया था, उसको मैंने कवर किया। मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में।